हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि अब कुछ दिन ही रह गया है समर में, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। और हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम लोग अकेले रहते हैं यहाँ पे, तब हमें लगता है कि कितना दिन हो गया यार घर गए हुए और अभी जाना, और यहाँ पे मतलब आए हुए इतना दिन हो गया और हमें लग रहा है कि पता ही नहीं चला कि कितना जल्दी से टाइम बीता है। और मम्मी पापा जब आने वाले थे तब बोले थे, अरे 5-6 महीने का टाइम कैसे निकलेगा, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। और यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि कुछ मतलब अभी तो आए थे और अभी जा रहे हैं। मतलब लोगों के रहने से ऐसा ही होता है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और अकेले रहने से बहुत लगता है बहुत देर में टाइम बीत रहा है। एक एक दिन ऐसे गिनते हम कि अब कब घर जाने का टाइम आने वाला है। तो फिलहाल गर्मी का भी कुछ दिन रह गया, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी, वो न्यूट्रेला जो होता है ना, सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसकी सारी तैयारी कर ली थी मैंने पहले ही, तो सारा कुछ मैरिनेट करके रख लिया था। मैरिनेशन के लिए सिर्फ दही और हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी थोड़ा सा ऐड किया है मैरिनेशन के लिए। और ये जो है मसाला, जो हल्का सा फ्राई कर लिया था, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और थोड़े से मसाले ऐड करके इसको भून लिया था। फिर उसके बाद उसको पीस के पेस्ट बना लिया है, और ये पेस्ट को थोड़ा सा ऑयल में डाल के फ्राई कर दिया है। फिर जब मसाला अच्छे से भून गया है, फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है सोया चंक्स जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे। तो ये सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगती है, अगर जिसको ये सोया चंक्स पसंद है उसको पसंद आएगी ज़रूर ये सब्ज़ी। और यहाँ पे सोया चंक्स की सब्ज़ी के साथ मैं यहाँ पे आलू पालक की भी सब्ज़ी बना ले रही हूँ थोड़ी सी। तो इसके साथ मैं बना ले रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो आज सुबह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो हम लोगों को पता नहीं था कि इस चीज़ की इतनी आवाज़ आ रही है। तो फिर हम लोगों ने बाहर निकल के देखा तो नेबरहुड में ही ये हो रहा था, छत बन रही थी किसी की। तो यहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि अगर किसी को ऐसा काम है बाहर का, तो वो विंटर शुरू होने से पहले ही सारा काम करवा लेता है। जैसे हम लोग को भी जो कुछ भी काम था हमने अभी करा लिया, और जो बचा है अब बीच में उसको छूना नहीं है विंटर टाइम में। मतलब वैसा काम है तो अब छोड़ दिया है कि अब नेक्स्ट ईयर ही होगा समर में। तो यही होता है विंटर में, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता, तो पूरा समर में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है रोड पे भी, और बाकी घर का जैसे ये लोग काम करा रहे हैं ये सब भी हो रहा है। तो और अभी मिश्का परेशान है लंच करने के बाद से ही कि मुझे बीच जाना है। देखो कहाँ है, आगे चलो मिश्का। अरे देखो तो न्यू स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना आपने, बार्बी के जैसा पहना है आपने। मैं तो फोटो खींचती हूँ तुम्हारा यहाँ पे। नहीं, ये पहन के कहाँ जा रही हो? घूमने। I want to go on beach. क्यों नहीं लेके जाओगे मिश्का, बताओ। बाय बाय। अरे रुको, आराम से जाओ, आराम से आराम से। क्या अच्छा है, येलो वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? येलो। येलो वाला? हाँ। अच्छा देना आंटी। आंटी? नहीं, शॉपर हमको ये देना येलो। अच्छा, येलो वाला देना ले लो। ठीक है। ओह, क्या करोगी, हेयर में लगाओगी क्या अपने? नहीं, मैं स्मेल करूंगी। स्मेल करोगी तो पूरा इस पे से ही स्मेल कर सकती हो ना। यहाँ पे भी सन बाइट हो जाएगा ना। हाँ, अभी लगा देती हूँ सनस्क्रीन। देखो यहाँ है सन। सन? हाँ। यहाँ पे पीछे है सन। ठीक है इधर आओ। बाय 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 बाय। नहीं करो मिश्का, आओ इधर लगाओ पहले। तो यहाँ पे सारा फ्रिज खाली कर दिया मैंने। मैं वेट ही कर रही थी कि कब मिश्का जाएगी और मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि उसके रहने से ना मतलब ये होता है कि वो कुछ करने नहीं देती। तो और ये सब चीज़ें हो तो और भी इधर उधर चीज़ें लेके भाग जाती है। तो अभी फ्रिज साफ़ कर दिया है अच्छे से, थोड़ा बहुत क्लीनिंग और बाकी है, ये कर लेती हूँ और फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो एक काम तो हो जाएगा, मतलब मैं रखी रहती हूँ दिमाग में कि आज अगर बाहर गई अकेले मतलब मेरे बिना तो क्या काम करूँगी। तो आज का काम ये था।
तो ये तो फिलहाल हो चुका है। उल्टा पहन के आई है मिश्का तो कपड़ा बीच पे गई थी बेचारी, उल्टा कपड़ा पहन के आई है। एक मिनट बस यही ना उल्टा है, ये भी उल्टा है। सीधा करना, चलो हो गया हो गया। इतनी बड़ी गड़बड़, हाँ इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं तो बिना कपड़े के रहो, उल्टा कपड़ा पहन के नहीं रहना ना। उल्टा हो गया है, इसीलिए ठंडा में जो है ये खा रही थी का मांग ली। हाँ रहने दीजिए, ये याद मत दिलाइए। इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है ग्रैंडपा तुम्हारे साथ मिश्का। नहीं कहाँ गड़बड़, देखो अब सही हो गया, अब तो सही हो गया, अब तो सही हो गया, सही हो गया। रो मत बेटा, नहीं नहीं आज आइसक्रीम मैं दे रही हूँ आपको, मिकी माउस वाला आइसक्रीम मेरे बच्चों को। आ जाओ, आ जाओ, ये ड्रेस पहनी है तुम तो यार, ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला मेरे को। हाँ मतलब फैब इंडिया का सब अच्छा ही लगता है। क्या कॉपिंग करती हूँ, इसीलिए छोड़ के जाते हैं। ये क्या कर रही है, यहाँ पे जाऊंगी। अरे उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा हो सकता है मिश्का, स्पाइडर हो सकता है ना उसके अंदर, ऐसे मत करो। और अभी शाम के टाइम मैंने बनाया, थोड़ी भूख सी लग गई थी तो मैंने पोहा बना लिया कि हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। तो अभी चाय पोहा हो रहा है। यहाँ पे यही दिक्कत है, देखो बाहर कितनी धूप है और इतने धूप में ही चाय पीना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा अंधेरा लेट में होता है गर्मियों के दिन में। तो अभी हम लोग बस चाय वाय पियेंगे, फिर थोड़ा बाहर भी जाएंगे वॉक पे। और ये देखो क्या कांड हो गया, मैं बाहर गई थी सफाई करने और मेरे हाथ में मधुमक्खी ने काट लिया। तो तुरंत मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लगा लिया है, बट मैंने गूगल पे चेक किया तो उसमें लिखा था कि ऐसे तुलसी का जो रस होता है वो लगा लो, तो वो तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने वो भी लगा लिया, सब उपाय कर लिया। अब करने जा रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल और पानी मिला के पेस्ट बना के लगाऊंगी। ये सब दुनिया भर के उपाय अब देख रही हूँ गूगल पे, जो भी मिल रहा है वही सब यूज़ कर रही हूँ। इंडिया में तो क्या होता है, ये सब कुछ काटता था तो लोग केरोसिन ऑयल लगा लेते थे। तो फिलहाल मुझे ना ही इंडिया में कुछ न कभी इंडिया में मुझे कभी कोई चीज़ नहीं काटा इस तरह से। और अचानक से मतलब घूम रही थी मेरे आँखों के सामने उधर गई और तब तक अचानक आके काट ली। और अच्छा हुआ कि मिश्का को नहीं काटी, मिश्का मेरे आगे पीछे ही घूम रही थी। तो गई थी रक्त क्लीन करने और मेरा ही हाथ का ये हालत हो गया, फिर मम्मी को साफ करना पड़ा। और अब देखो ये स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, शाम तक ऐसा हो गया है। और यही है वो रग जिसको मिश्का ने गंदा किया था, वो मैं साफ करने आई थी तो मुझे काट लिया था और मम्मी ने इसको साफ करके ऐसे सुखाने के लिए डाल दिया है। मैं मना कर रही थी कि मत जाओ बाहर, किसी को भी काट सकता है।
जाओ बैठो मिश्का, चलो पिज्जा लाने। आप भी चलोगे क्या पिज्जा लाने? हाँ हम भी चलेंगे, चलो। हाँ ठीक है ठीक है है, ऐसे भी हर जगह ट्रैफिक हो गया अब। अच्छा है ठीक है, अच्छे से खाना लेके बस इतना एक्साइटेड रहते उतना खाती नहीं है। ठीक है मैं भी अपना लेके जा रही हूँ, रुको। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी आप लोगों से फिर से मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।